सो ये वो जगह है जहाँ पे मेरे माइक ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया। एंड एज यू कैन सी, मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आई वाज सेइंग हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फाइनली वी रीच आवर होटल एंड वी आर नाउ सपोजिंगली प्लानिंग टू रीच फॉर नेक्स्ट लोकेशन। बट जब तक मैं सबको इन्फॉर्म करता, माय माइक वाज गॉन। एक काम करते, सीधा नेक्स्ट सीन में शूट करना। हाँ, शो ऑफ शो ऑफ। So we have finally reached Bhimgoda. Matlab this location name is Bhimgoda and we are going to Mansa Devi temple. Mansa Devi means the one who complete your manka wish, something like that. Thodi der mein we will reach Mansa Devi temple and whatever jo bhi problem aaya tha while traveling, jo bhi problem tha, as soon as I get to the room I'll explain you. Till then you can enjoy this time-lapse, photos, market time-lapse. Guys, I have something special to show you all. Ready? We are going to travel in that. सो वी हैव डिसाइडेड एक ट्रेन में मैं, बड़ा भाई और बहन जाएगी और एक ट्रेन में मम्मी पापा अंकल आंटी आएंगे। दो सेकंड में मिलता हूँ। वन सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता है, विच टेक्स हाफ एन आवर समथिंग, बट इससे विल रीच इन जस्ट 1 मिनट। बमर आया ना, मेरे माता पिताजी। एंट्री 2 1। सो वी आर इन द टेम्पल नाउ। बाबू, योर एक्सपीरियंस। सीधा दर्शन करने के बाद मिलता है। सो हमारा दर्शन हो चुका है, वी आर बैक टू उड़न खटोला। यहाँ से वी आर गोइंग टू अदर टेम्पल जिसका नाम है चंडिका देवी। टिल देन यू एंजॉय द व्यू। So we are on our way to the bus station. जल्दी जल्दी बस हमें लेके जाएगी चंडिका देवी की टेम्पल में। थैंक यू। ओके, मैं बार बार नाम बोल रहा था, जब मेरा मायने वाली याद होता है। चंडिका देवी में टेम्पल में रहेंगे हम लोग। तुम दिनों भाई बहन पड़ी और पूरी बस में अपना ही रहेगा।
तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स और अंकल आंटी क्या डिस्कस कर रहे हैं। डिसाइड क्या हुआ था कल, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा रहेगा, डिसाइड ये हुआ था कि पहले हम लोग जाएंगे चंडिका देवी, वहाँ से रोप से हम लोग यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे टेम्पल के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हुआ, जैसे हम लोग अपने होटल के बाहर आए, जब वहाँ पे हम लोग ने ऑटो रिक्शा के लिए पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ पे कुछ तो नाकाबंदी है, पुलिस उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि वहाँ तक गाड़ी नहीं आएगी। तो कैसे कैसे करके वर्ली वाला दिमाग लगा के हम लोग इस वाले टेम्पल में आए, रूप का एंजॉय भी कर लिया, अभी जा रहे हम लोग उस टेम्पल में। तो शायद तो तू अंदर आना, तो शायद पूरे 132 जन में से हम 7 जन ये उस टेम्पल में आ रहे। और काम करना है, धूप भी काफ़ी बढ़ रही है और ट्रैफिक भी हो रहा है, तो फिर से मैजिक यूज करना है और डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचना। मैजिक कुछ मैजिक नहीं रहा, तो 45 मिनट और 45 मिनट क्या दिखाता करके मैंने बंद कर दिया था, एक अच्छी 45-30 मिनट की नैप मारी एंड नाउ वी आर एट चंडाल देवी का ओडन खटोला। यू एंजॉय द व्यू इधर का भी। So we reached the temple. Guys, I'm extremely sorry, हमारा माइक हमें धोखा दे दिया, बंद ही पड़ गया, माइक ही बंद पड़ गया, क्या कर सकते हैं। ट्राइंग टू सी अगर ठीक होता है तो और अगले 7 दिन फोन के माइक से काम करना पड़ेगा। वैसे भी इतना भी बुरा नहीं है फोन का माइक, इट हैज अ गुड क्वालिटी, बट स्टिल माइक माइक होता है। यस हाँ, तो मैं कह रहा था हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। तो हमारा दर्शन तो हो गया, बट लुक एट द लोकेशन गाइस, लुक एट द लोकेशन। एक छोटा सा फोटोशूट करके आता है। माय गॉड, फोटो शूट करने करते फोन ही ओवर हीट हो गया, मैसेज आने लगे। मैं आपको सराउंडिंग दिखाता हूँ और डायरेक्टली बस में मिलता हूँ। सो गाइज, अभी आए हैं माया टेम्पल में। आई एम सॉरी, मैं ट्रैवलिंग बस का नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कहा था आई विल मीट यू इन बस, लेकिन एंड मोमेंट पे मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई और आई विल कैप्ट इट ऑन चार्ज एंड
जब तक वो चार्ज हुआ वी रीच द टेम्पल, तो मैंने सोचा डायरेक्टली टेम्पल से शुरू करना है। ये टेम्पल की खास बात यह है कि जैसे इसकी नाम है माया, तो इट इज बीन एक्सप्लेन कि हर कुछ माया ही है। तो आप पूरे टेम्पल में जब राउंड मारोगे, जैसे कि इसमें अभी वीडियो में जब देखोगे अभी, तो ये टेम्पल में तो इस टेम्पल में अगर आप देखोगे तो उसमें आपने देखा रहेगा कि हर जगह पे शंकर भगवान की पिंडी रखे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हर जगह माया है। उसकी एक स्टोरी भी है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी, तो कोई तो एक पुजारी रहता है, जहाँ पे भी पैर रखता वहाँ पे पिंड आ जाता है। गूगल कर लो आपको उससे पता चल जाएगा। और ये तीसरी बात है जो मेरे ग्रुप के लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और कोई बजा है तो इस टेम्पल के बारे में आप ढूंढ लो, वेरी ग्रेट छोटा सा क्यूट सा टेम्पल, एंड यू कैन एंजॉय द टाइमलेस। आई होप इसमें ही आपको समझ गया रहेगा, क्योंकि काफी धूप है, तो यहाँ पे मैं टाइमलेस ले नहीं सकता क्योंकि फोन गर्म हो जाता है, इट स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली, और पैर भी जल गए। एक काम करता हूँ, सीधा होटल रूम में मिलता हूँ। A few moments later. हाँ, राइज में आया, खाया, सीधा सो गया हूँ। मैं आपको बोल नहीं सकता, इसे फुल ऑन 16 डिग्री में करके सो गया हूँ। एक काम करता, मैं सीधा वहाँ पे पहुँच के आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर अब हम थोड़ी डुबकी मारेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, अपने पाप साफ करेंगे, एंड आई मीट यू डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ आरती। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ही ज्यादा क्राउड था। इट्स बेटर यू टेक टाइम लैप्स और शूट, और उसके बाद घर पे आके उनसे कह देना। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं। सो इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग एनी हाउ फॉर एनी रीजन, आरती हो जान दो, टाइम लैप्स, फॉर एनीथिंग, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चलो। विद दैट सेड, आई विल मीट यू टुमारो व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग टू आवर नेक्स्ट reality. Hide behind a mask, look confused. ये है हमारा मेन रूम, ये है बाथरूम, एंड फाइनली हमारा बालकनी जिससे ये वाली व्यू मिलती है। और बड़ी पूरी।